और आप भी कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया से यूएई अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ ट्रेवल गाइडलाइंस में चेंजेस आया है, या फिर यूँ कह लें कि गाइडलाइंस तो बहुत पहले से जारी हो गई थी लेकिन उस पर एक्शन अब लिया जा रहा है। तो अगर आप यूएई आ रहे हैं इंडिया से तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें, अदरवाइज आपको भी जो इन लोगों जो इन भाइयों के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। यानी कि आप अगर अगर आपकी एक छोटी सी गलती हुई तो आपको जाना पड़ सकता है सीधा जेल। मतलब लोग आ रहे थे यूएई लेकिन चले गए जेल, उसके पीछे वजह क्या थी विस्तार से समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं पर भी स्किप ना करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे मल्टीपल लोग जो है इंडिया से यूएई ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत से लोग विजिटर्स भी हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और कुछ बिजनेसमैन है। तो जहाँ पर इतने लोग ट्रेवल करते हैं जाहिर सी बात है रूल रेगुलेशन में स्ट्रिक्टनेस या फिर बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी का जो बदलाव वो ये है, या फिर यूँ कह ले बदलाव ऑलरेडी पहले से है। जब मैं आया इंडिया तो मैंने भी देखा था एक जगह पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे ये चीज़ थी कि अगर आप अपनी कोई भी कीमती सामान लेके जा रहे हैं इंडिया से बाहर यूएई या फिर किसी और कंट्री आप जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, और उसका वेवरा जो है उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा आपको कि आपके पास ये सामान है और इसकी कीमत इतनी है। अगर आप नहीं देते हैं और पकड़ा जाता है तो फिर आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन प्लस जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी समस्या कहाँ पे आ रही है कि जो लोग भी इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उनको चाहे उनके पास कोई भी वस्तु हो सामान हो पैसा हो गोल्ड हो कुछ भी हो, अगर 60,000 रुपये से ऊपर यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर 60,000 से ऊपर कोई भी सामान की वैल्यू है और वो लेके अगर वो आप यूएई आ रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो आपको सिंपल सा एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि हाँ ये सामान मैं यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इससे एक ये प्रूफ बेनिफिट हो गया कि आप बता रहे हैं कि आपके पास ये सामान है। दूसरी बात कि अगर आप कभी भी उसी सामान के साथ इंडिया वापस आते हैं तो आपसे उस चीज़ का कोई भी विवरण नहीं मांगा जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपने उसको पहले डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ और इसकी वैल्यू इतनी है। मान लीजिए आपके पास गोल्ड है कुछ भी एक्स वाई जेड तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कैमरा है गोल्ड है लैपटॉप है जो भी है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि अगर वैल्यू है पैसा है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म करना आपके लिए अच्छा होगा कि आप जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप कहाँ से लेके आए, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया से लेके गए थे वो आपकी वस्तु है, ठीक है। उसे आप लेके गए थे, उसे आप लीगल तरीके से ला रहे हैं। प्लस कोई भी कीमती सामान अगर आप इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं तो भी वहाँ पे जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, आप डिक्लेयर कर चुके हुए होते हैं कि आपके पास ये वस्तु है और ये वस्तु आप सबकी जानकारी में इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, सावधानी पूर्वक इसको समझ लीजिए और कोई भी गलती ना करिए। 3 लोग इंडिया से आ रहे थे, उनको एक साथ उनके साथ सामान पकड़ा गया और उनको जेल हो गई। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो लोगों को समस्या दे देती हैं लास्ट तक। तो आप लोग कभी ऐसी गलती ना करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई सामान लेके जाना है उसे डिक्लेयर ज़रूर कर दें कि आप सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जाने में आने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।